हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज योर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द इंडिकेटेड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, आपके पास सेल रिएक्शन दी है दो, इनके दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। तो देखो सर, अगर तुम्हें के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ई सेल जीरो हो जाएगा तो नर्ड्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हें के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है तो तुम्हें पहले क्या बताना पड़ेगा, ई नॉट सेल की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो मेन सेल रिएक्शन है ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन इन दोनों के कंबाइन होकर बनी है। ठीक है, इन दोनों के कंबाइन होकर बनी है तो अपन मेन सेल रिएक्शन बनाते हैं। तो देखिए सेल रिएक्शन क्या है मेरे पास, Mn+3+(-1) इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इंटू Mn+2, और सेकेंड रिएक्शन मेरे पास Mn+2 गेंस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Mn सॉलिड। अब ध्यान से देखिए इन दोनों सेल रिएक्शन को कंबाइन करके आपको फर्स्ट सेल रिएक्शन बनानी है। फर्स्ट सेल रिएक्शन में ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं तो Mn+2 कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में है, और Mn+3 कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में है। अगर Mn+3 प्रोडक्ट साइड में है मतलब कि जो फर्स्ट सेल रिएक्शन है मेरी, इसको क्या करनी पड़ेगी, मुझे रिवर्स करनी पड़ेगी। इसे क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी आपको। अगर रिवर्स करोगे तो ध्यान से देखिए अब क्या बन जाएगी, रिवर्स करो मैं इसे, Mn+2 गिव्स यू, रिवर्स करो मैं, Mn+2 गिव्स यू Mn+3+1 इलेक्ट्रॉन। दिख रही है रिवर्स कर दी सेल रिएक्शन को। अगर आपने सेल रिएक्शन रिवर्स कर दी तो इसका EMF भी चेंज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, जो इसका EMF पहले था +1.51 अब कितना हो जाएगा, -1.51 वोल्ट। और इसका EMF कितना हो जाएगा, इसका EMF है पहले ऑलरेडी -1.185 वोल्ट। देखिए अब दोनों सेल रिएक्शन को ऐड करना है। फर्स्ट ये हो गई, अब ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई और सेकंड हो गई, दोनों को ऐड करना है मुझे। ऐड करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस पूरी सेल रिएक्शन को से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 2 Mn+2, 2 Mn+2 कितना होगा, 2 Mn+2 और प्लस कितना हो गया, 3। 3 Mn+2 गिव्स यू, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, गिव्स यू 2 Mn+3+Mn सॉलिड। ये हो गया अभी कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो अगर आपने थर्ड सेल रिएक्शन बनाई है, थर्ड सेल रिएक्शन कैसे बनाई, फर्स्ट और सेकंड को क्या किया ऐड किया और सेकंड रिएक्शन कितने मल्टीप्लाई किया, अपने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो चलिए देखिए अब इसका डेल्टा जी नॉट निकालते हैं। तो डेल्टा जी नॉट फॉर दी थर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ फर्स्ट प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ सेकेंड। देखिए क्या होता है, -NfE0 ऑफ थर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -NfE0 ऑफ सेकेंड -NfE0 ऑफ सॉरी, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा माइनस 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 ये प्लस कर देता अभी से। ठीक है, एफ 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 कैलकुल कैंसिल होने ही वाला है बाद में भी, तो अभी से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। अब बताइए मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, थर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितने का हुआ है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है 2 का। ठीक है, 2 का एक्सचेंज हुआ है तो 2 into E0 ऑफ थर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फर्स्ट में भी कितना हुआ है, 2 का हुआ है। ठीक है, into E0 ऑफ फर्स्ट कितना हो गया, -1.185 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सेकंड में कितना हुआ, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ, सेकंड भी 2 का हो गया, 2 into E0 ऑफ सेकंड कितना हो गया, -1.15। ठीक है, तो 2 2, अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल दोगे तो 2 2 एंड 2 ये भी हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो E0 ऑफ थर्ड रिएक्शन, E0 ऑफ थर्ड रिएक्शन कितना हो जाएगा, -1.185 -1.51 इज इक्वल टू हो जाएगा -2.695 वोल्ट। तो E0 ऑफ थर्ड रिएक्शन आ गया आपके पास -2.695 वोल्ट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, E0 सेल माइनस कितना आ गया, 2.695 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया, सेलरेशन में 2 का एक्सचेंज होता है, इनटू लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस सारी वैल्यू को
सारी वैल्यू को इक्वल टू उस साइड भेज देते हैं अपन और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास समथिंग -91.201। कितना आ जाएगा वैल्यू? -91 × 0.201 इज इक्वल टू क्या आ गया? लॉग के इक्विलिब्रियम। यहां से अगर तुम के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालते हो तो के इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या आ जाएगी? एंटी लॉग ऑफ -91.201। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.3 × 10⁻¹². हियर इज योर आंसर, चेक लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।